बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, आगे भी आप देख सकते हैं। सिर्फ मेरा काम ही इलेक्ट्रिक पे एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये विंड पावर है, ये विंड पावर से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, हम बिजली पैदा कर सकते हैं। देखिए, इससे हम 10,000 वाट, 5,000 वाट और आसानी से हवा के ज़रिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर घर में कामयाब है, चक्री में कामयाब है, पंजाब के और भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये कामयाब है, बलूचिस्तान में ये कामयाब है, सिंध में काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पे ये विंड पावर लग सकती है, उससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। हम अपने घरों की छतों पे बिजली ये विंड पावर लगा के, 4 सोलर प्लेटें लगा के, तो हम इससे आसानी से बिलों से निजात पा सकते हैं और इस बारी बारी बिलों से हम निजात पा सकते हैं। जैसा कि ये लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, 1,000 रुपये के बिल आ रहे हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको विंड पावर दिखाया जाएगा। और ये विंड पावर आप पार्टियाँ भी बना के लगा सकती हैं, शहरों के चौकों में लगा सकती हैं। जैसे ये वेस्टा का विंड पावर आप बना के एक चौक में लगा दिया जाए, और जिससे चौक के सेंटर में हमेशा हवा होती है, क्योंकि चौरसा रास्ता होता है, इसलिए प्रेशर की हवा होती है, वहाँ पे ये विंड पावर काम करेगी। ये 25 से 30 एनर्जी सेवर सुकून से चला सकती है, जबकि ये चौक में लगी हो उस पर अपना पार्टी अपना मोनोग्राम लगाए जिस तरह ये लगा हुआ है, तो इस तरीके से उनकी एडवर्टाइजिंग भी होगी पार्टी की, और उस शहर के चौक में बिजली भी फ्री पैदा होगी और चौक रोशन होगा। इसी तरीके से उन पार्टी का नाम भी रोशन होगा। और इस तरीके से अगर ये पार्टियाँ ये बजाय इतने भारी बैनर लगाने से, इतने सिस्टम लगाने से, अगर यही सिस्टम लगा दिया जाए और इसी को ही ये चलाते रहें और ये चलता रहे, और इस तरह अपना मोनोग्राम भी इनका चलता रहे, और साथ में ये शहर को भी फ़ायदा हो, तो इनको चाहिए कि ऐसे ये मोनोग्राम बनाएँ, ऐसे ये विंड पावर अपने शहरों के चौकों में लगाएं, ताकि इनका नाम भी चले और इनको फ़ायदा भी हो और शहर को भी फ़ायदा और शहर भी रोशन हो। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम पूरे पंजाब में लगा दें और बड़े बड़े शहरों में और लगाए जाएं, तो काफ़ी हम बिजली पैदा कर सकते हैं हवा के ज़रिए। ये आज हम आपको ये से अभी हम बिजली पैदा करते होते हुए दिखाएँगे, क्योंकि हवा नहीं है, हमारा दूसरा सिस्टम भी वो देखें ऊपर पर खड़ा हुआ है, वो जो देख रहे हैं वो भी खड़ा हुआ, वो छोटा सिस्टम है वो भी रुका हुआ, अभी हवा नहीं है, जैसे हवा आएगी ये चलेगा। इस तरीके से हमारे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जो कामयाब भी हुए, आप लोगों देखते भी हैं, और आज मैं आपको ये नया एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ जो मेरा बलूचिस्तान में चल रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में ये पहला प्रोजेक्ट लगाने लगा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैं यही चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें और इसको लगाएँ, ताकि अपना अपना अपने कोठी पे लगाएं, उससे खूबसूरती भी आएगी, अपने मकान पे लगाएंगे उससे भी ये घूमता हुआ खूबसूरत नज़र आएगा जैसे चलता हुआ आपको। तो इस तरीके से इसको चलाया जाए, और ये चलता हुआ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये देखें ये चलता हुआ, यह हवा से चलता है, ठीक है। अभी हवा नहीं, नीचे जैसे छत पर जाएगा, ऊँचाई पर जाएगा, तो वह खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, बिजली भी बनाएगा। इसी तरीके से आप लोग हमारा साथ दें, करता हूँ इस तरह के सिस्टम बना के शहरों के चौकों में लगाएं, जिससे आपका नाम भी रोशन होगा, बल्कि आपको वोट भी मिलेगा, और वो शहर भी रोशन होगा और शहर खूबसूरत भी होगा, चौक भी खूबसूरत होगा। अभी हम ये आपको विंड पावर चला के दिखाते हैं, इसके बल्ब इसके घुमाने से देखें आप, नीचे बिजली पैदा होती हुई आपको लाइफ दिखाई जाएगी। ये देखें आप, घूमता हुआ चल रहा है, देखें आप, ये देखें अब आपको हम बिजली दिखाने लगे हैं, ये देखें ये बिजली चल रही है इस वक्त इसकी, ठीक है। ये देख, ये बिजली चल रही है, ये ऊपर से घूम रहा है और ये बिजली चल रही है, ये इसका पैनल लगा हुआ है और ये इसकी मोटर लगी हुई है, ये देख लें, ये तारें आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई हैं, और ये बल्ब की तारें लगी हुई हैं, ये देख लें बल्ब चलता हुआ। इस तरीके से ये बिजली पैदा हो रही है। हम इस तरीके से बड़े लेवल पे भी, छोटे लेवल पे भी, हम घरों की छतों से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसे सिस्टम हम पंजाब में लगाएं तो हमारी बिजली पैदा हो सकती है। ये देख लें चलता हुआ सिस्टम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।